नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अन्ना की एक बार फिर हुंकार, देश में लागू हो सशक्त लोकपाल, दो दिन से हैं अन्ना अनशन पर। मुख्यमंत्री राज्य का जोधपुर दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, बैठक में विधायकों को रखा दूर। लालू यादव को 14 साल की जेल, 30 लाख का लगा जुर्माना, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। शाहपुरा में भीषण हादसा, सिलेंडर फटने से 7 लोग झुलसे, जयपुर किया रेफर। और अब समाचार विस्तार से। अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर आज दूसरे दिन अनशन के दौरान अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि देश में एक सशक्त लोकपाल होना बेहद जरूरी है, साथ ही राज्य सरकारें भी लोकपाल की नियुक्ति करें। अन्ना ने यह भी कहा कि देश में चुनाव नीति में भी सुधार होने की आवश्यकता है और किसान को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए अलग से आयोग बने। लेकिन शनिवार को अन्ना की अचानक तबियत खराब होने से डॉक्टर्स की टीम अनशन स्थल पहुंची और अन्ना का चेकअप किया। डॉक्टर्स ने अन्ना को आराम करने की सलाह दी है। इस दौरान अनशन स्थल पर अन्ना के समर्थन में भारी भीड़ जमा हो गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे एक बार फिर जन आंदोलन कर रहे हैं। इस बार अन्ना ने पिछले अनशन के अनुभव के आधार पर किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति को शामिल नहीं होने दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस आंदोलन में कोई भी शामिल हो सकता है, बशर्ते एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करे जिस पर लिखा हो कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति कभी किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होगा और न ही वह कभी कोई चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करे कि जीवन में सिर्फ अच्छे काम और समाज सेवा करेगा। अन्ना ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल या समूह से जुड़े लोगों को इस स्टेज पर नहीं चढ़ने दूंगा। इस बार अन्ना ने सक्षम किसान, सशक्त लोकपाल और चुनाव सुधार की मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। उनके समर्थन में बड़ी तादाद में लोग रामलीला मैदान पहुंचे हैं। इससे पहले शुक्रवार को अन्ना हजारे महाराष्ट्र सदन से राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। वहां से बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित शहीदी पार्क पहुंचकर उन्होंने शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अन्ना ने रामलीला मैदान पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। गौरतलब है कि अन्ना हजारे द्वारा किए गए पिछले अनशन में भारी जन समूह का समर्थन मिला था। इसमें मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया ने अपनी विशेष पहचान भी बनाई थी, जिसे बनाने के लिए अधिकांश लोग राजनीति की तरफ चले गए। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़े और केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन बैठे। इन सबसे खफा होकर अन्ना हजारे इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। किसान के जो प्रश्न है, लोकपाल लोकायुक्त का प्रश्न है, चुनाव का जो प्रश्न है, ये समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय को लेकर मैं बैठे और ये अभी जैसे ये नरेंद्र मोदी सरकार आश्वासन तो दिया कि हम सत्ता में आते हैं तो सामने दम कमेटी का रिपोर्ट लागू करेंगे। जिस किसान की उम्र 60 साल है उसके लिए विशेष योजना बनाएंगे, ये सब आश्वासन दिया। हम 3.5 साल तक ये सरकार के विरोध में कभी बोला नहीं और इतने आश्वासन देने के बाद नहीं करते तो मजबूर होकर मैं आज ये अनशन पर बैठ गया कि हमारी मांग हुई कि जो आपने आश्वासन दिया उसको पूरा करो। फिर आश्वासन क्यों दिया? सिर्फ वोट लेने के लिए आश्वासन देना और वोट लेना? इसीलिए जब आश्वासन दिया तो पूरा करो। जैसे 60 साल की उम्र है, फिर किसानों को पेंशन मिलना चाहिए। जो जिस किसान के घर में आए नहीं और उसका खेती का उत्पन्न में कमी है, ऐसे किसान को पेंशन मिलना चाहिए और पेंशन बिल पड़ा है, क्यों नहीं करते? ये सब मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहीं खबर ये भी है कि गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी अन्ना के समर्थन में दिल्ली पहुंचे हैं। देखना होगा कि इस बार अन्ना के इस मंच से और कितने नेता खड़े होंगे। विश्व क्षय रोग दिवस पर शनिवार को जिले भर में अनेक आयोजन किए गए।
इस दौरान शहर के सामान्य चिकित्सालय के सामने स्थित टीबी अस्पताल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने क्षय रोग दिवस पर नर्सिंग कर्मी छात्र छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व क्षय रोग के दिवस पर जन जागरूकता अभियान के तहत टीबी अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम जन को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में नर्सिंग कर्मी छात्र छात्राएं और विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पूरे विश्व में क्षय रोग दिवस पर जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत अलवर में भी आम जन को विभाग की योजनाओं से अवगत कराने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन होता है, उसी क्रम में आज भी यहाँ विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन के तहत हमने समाज की और जनता की जागरूकता के लिए सभी बच्चों की एक विशाल रैली हमने आयोजित की है, जिसको अभी यहाँ चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा रवाना किया गया है। और उसके पश्चात यहाँ विश्व क्षय रोग दिवस का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और इसके विषय में हम विचार मंथन और चर्चा यहाँ करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार दोपहर जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वे यहां एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से पार्टी के प्रति लोगों के नजरियों का पता लगाने और नब्ज टटोलने आई हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान राजे ने जेडी और नगर निगम की ओर से शहर में चलाए जा रहे विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। एयरपोर्ट से वे सीधे सर्किट हाउस रवाना हो गए। सर्किट हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की और उनसे आगामी चुनावों को लेकर चर्चा भी की। साथ ही भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस बैठक में विधायकों को दूर रखा गया, ताकि सीएम के समक्ष पदाधिकारी विधायकों और जन प्रतिनिधियों की खुलकर शिकायत कर सके। सीएम इन पदाधिकारियों से शहर के विकास और लोगों की भाजपा के प्रति सोच के बारे में फीडबैक ले रही हैं। शहर में चल रहे विकास कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए जेडीओ और निगम के आला अधिकारियों ने सर्किट हाउस में अपनी उपस्थिति रखी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जोधपुर यात्रा के दौरान उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी संघ के कुछ नेताओं को पुलिस उठाकर ले गई। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में कुछ कर्मचारी नेता सर्किट हाउस के सामने धरना देकर नारेबाजी कर रहे थे। बाद में पुलिस इन सभी को एक वाहन में भर कर ले गई। जोधपुर यात्रा पर पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सर्किट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ले रही थी। इसी दौरान सर्किट हाउस के सामने कर्मचारी नेता आकर डट गए। फुटपाथ पर अपना बैनर लगाकर उन्होंने वहां धरना देना शुरू कर दिया। कर्मचारी संघ के नेता शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में करीब 10 पदाधिकारियों ने धरना देने के साथ ही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यकायक शुरू हुई इस नारेबाजी के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने आनन फानन में वहां से सभी कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और एक बस में भरकर वहां से ले गई। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने शनिवार को चारा घोटाले के चौथे मामले में दो अलग अलग धाराओं में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग। सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे चारा घोटाले में सजा का ऐलान कर दिया। लालू प्रसाद को भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई और साथ में 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 7 साल की कैद भी सुनाई गई थी और 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। यह दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी तो लालू को 14 साल जेल में बिताने होंगे। अदालत ने 19 मार्च को अपने फैसले में लालू प्रसाद के चौथे चारा घोटाले में दोषी ठहराया था, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को
बरी कर दिया गया था। रांची में चारा घोटाले में लालू प्रसाद और मिश्रा के खिलाफ 5-5 मामले चल रहे हैं। इस मामले में 31 आरोपी हैं, जिनमें से 19 को दोषी ठहराया गया जबकि 12 को बरी कर दिया गया। लालू को पहले चारा घोटाले में 2013 में दोषी ठहराया गया था और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 7 साल की सजा हुई है और 30 लाख रुपये जुर्माना हुआ है अंडर सेक्शन 120B, रेट बी सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471, 477 IPC और अंडर सेक्शन 32, रेट बी सेक्शन 31, CD प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में इनको 7 साल की सजा और 30 लाख रुपये जुर्माना हुआ। टोटल जुर्माना अगर कहा जाए तो 60 लाख रुपये जुर्माना नहीं देने पर 1-1 साल दोनों में ही अतिरिक्त सजा सुनाई गई। क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा जो कंजुकेटली की बात आई है, इसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को 14 साल की सजा जो की है कंजुकेटली रहेगा और 14 साल के बाद ही उनको जो सजा है वो 14 साल की माननीय न्यायालय के द्वारा दी। जयपुर जिले के शाहपुरा औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार दोपहर ऐसा हादसा हुआ कि देखने वालों के होश उड़ गए। हुआ यूं कि शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिलेंडर में रिसाव से अचानक हुए विस्फोट की चपेट में आए करीब 7 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए। शाहपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गैस सिलेंडर के फटने से एक भीषण हादसा सामने आया जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ये सभी लोग औद्योगिक क्षेत्र में एक किराए के भवन में बेसमेंट में रहते थे। दोपहर करीब 2:30 बजे खाना बनाने भवन के बेसमेंट में गए तो अचानक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हो गया। सभी श्रमिक बुरी तरह झुलस गए। धमाके की आवाज से औद्योगिक क्षेत्र से दौड़कर पहुंचे लोगों ने पुलिस की सहायता से झुलसी हालत में लोगों को भवन से बाहर निकाला और कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर सभी को जयपुर रेफर कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शाहपुरा DSP भागचंद मीणा के साथ विराटनगर थाना प्रभारी भरत मेहर, मनोरपुरा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार और शाहपुरा थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह घटना स्थल पर मौजूद रहे। घायल सभी लोग हाईवे पर खेमजी मोटर्स पर ट्रक बॉडी बनाने का काम करते थे और सभी UP और बिहार के निवासी है। धमाका इतना तेज था कि बेसमेंट के ऊपर बनी परचून की दुकान का शटर उखड़ कर दूर जा गिरा। श्रम एवं नियोजन मंत्री और बहरोड विधायक डॉक्टर जसंत यादव ने अलवर लोकसभा उपचुनाव की जंग हारने के बाद शनिवार को शहरी क्षेत्र में कार्यालय भवनों के जल स्वावलंबन रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 36 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके साथ ही पंचायत समिति परिसर में श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना के 106 लाभार्थी श्रमिकों को 55,000 रुपए के चेक भी वितरित किए गए। मंत्री ने उपखंड कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य और सरकारी अस्पताल में नए चालू वार्ड का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा मंत्री ने पंचायत समिति में ग्राम सेवक विश्रांति गृह और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में TB दिवस पर 26 लाख रुपए की TB जांच मशीन का उद्घाटन किया। पंचायत समिति में शिक्षकों ने समस्या बाबत मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी मंत्री के साथ रहे। सबसे पहले मंत्री ने नगर पालिका में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग शिलान्यास से शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के शिलान्यास भी किए। इस दौरान मंत्री ने अलवर लोकसभा चुनाव हारने का जिक्र करते हुए उपस्थित लोगों को कहा कि चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में जो 86 लाख रुपए के विकास कार्यों को निरस्त किया गया था उसका मुख्य कारण बजट में कमी होना था। संभावना के अनुसार चुनाव जीतना तय था क्योंकि चुनाव जीतने के बाद 2 करोड़ रुपए का जो बजट मिलता वो विकास कार्यों में लगाया जाता। इसी वजह से चुनाव होने से पहले विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। चुनाव हारने के बाद 2 करोड़ रुपए का बजट नहीं आने के कारण कुछ विकास कार्य निरस्त करने पड़े थे। ये हमने वाटर हार्वेस्टिंग केस के तहत मुख्यमंत्री शहरी जल स्वावलंबन योजना के तहत इसको 36 लाख हम चाहते भी हैं पानी बचे, पानी वेस्ट करें उसके तहत दिन से उनके पानी का कोई देख रेख नहीं कर पाता था। वो सारे खराब हो कंपाउंड बना के नीचे रोकेंगे कुछ हमारे हॉर्टिकल्चर में काम आ जाएगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित, नगर पालिका यो मनीषा, नायब तहसीलदार कमल पचौरी, कृषि उपज मंडी सदस्य अजीत यादव, पूर्व चेयरमैन जले सिंह सहित काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। एनवायरमेंट फोरम ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के मौके पर बारामती के चिराग गार्डन में एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें 5 लोगों को बारामती आइकन अवार्ड से नवाजा गया और सामाजिक सेवा में विशेष कार्य करने के लिए प्रेरणा गुप्ता सहित 6 लोग सम्मानित किए गए।
संस्था अध्यक्ष सुमित्रा पवार ने इस मौके पर सभी का आभार जताया। एनवायरमेंट फोरम ऑफ इंडिया संस्था महाराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण और पानी बचाव सहित अनेकों समाज हित कार्यों पर काम करती है। संस्था के अध्यक्ष सुमित्रा पवार हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर भी बारामती में मुंबई से सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की टीम के साथ मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। संस्था का स्थापना दिवस 14 मार्च को बारामती के चिराग गार्डन में मनाया गया, जहां नामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर 5 लोगों को बारामती आइकन अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें निर्भेवी संस्थान से प्रवीण निकम, अभिनेता अशोक समर्थ, प्लास्टिक क्षेत्र से डॉक्टर वर्षा सिद्धे, बापू भोए, कृष्ण राव कार्ड और अमर निकम, जिन्होंने जिम्बा नृत्य में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया, इन सभी को संस्था अध्यक्ष सुमित्रा पवार ने सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाले 6 लोगों को चयनित कर सम्मानित किया गया, जिसमें बिरजू मंधाई, विद्याधर, सतीश नवेरे, इरफान इनामदार, चिराग शाह, अजय फगज, तुषार लोखंडे, फखरुद्दीन भौरी और प्रेरणा गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रेरणा पत्नी दीपक गुप्ता हैं, जो मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले की बहू है। पिछले करीब 14 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही है। सम्मान पाने पर उन्होंने एनवायरमेंट फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुमित्रा पवार का आभार जताया और संस्था के 11 वर्ष के सफर की समीक्षा की। आई फील वेरी प्राउड कि मुझे आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है, वो भी सुमित्रा पवार वहनी के हाथों मुझे सम्मान दिया गया। रियली आई एम रियली हैप्पी एंड फील प्राउड ऑल्सो। एंड मैं कहना चाहूँगी कि मैं वर्क बहुत टाइम से कर रही हूँ, 14 ईयर्स से मैं ये सोशल वर्क कर रही हूँ, लेकिन इस संस्था से जुड़ने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने के लिए मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुमित्रा पवार मैडम के साथ जुड़ी हुई हूँ और उनसे गाइडेंस मिल रही है, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत आई फील लकी। मैं संदेश देना चाहूँगी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस दुनिया में जो भी आया है वो अपने लिए ज़रूर जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना आपके जीवन को सफल बनाता है। मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरत नहीं है कि आपको लोग आपको सपोर्ट करें या आपको मनी रिलेटेड कोई भी फंड और कहीं से भी रेज करना पड़े, आप कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज देके भी फंड रेज कर सकते हैं। और आप सपोज 100 रुपीज़ भी कमा रहे हैं तो 90 रुपीज़ अपने ऊपर खर्च करिए और 10 रुपीज़ आप लोगों के समाज सेवी काम करने में भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि हम खुद के लिए भी जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। इस दौरान संगीत विद्यालय की ओर से गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अन्ना के एक बार फिर हुंकार, देश में लागू हो सशक्त लोकपाल, 2 दिन से हैं अन्ना अनशन पर। मुख्यमंत्री राज्य का जोधपुर दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, बैठक में विधायकों को रखा दूर। लालू यादव को 14 साल की जेल, 30 लाख का लगा जुर्माना, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। शाहपुरा में भीषण हादसा, सिलेंडर फटने से 7 लोग झुलसे, जयपुर किया रेफर। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।